नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 56 चंडीगढ़ में। हमारे साथ हैं आज समाज सेवी मनोज राजभर जी, जो अपने परिवार के साथ यहाँ काफी वर्षों से यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय के साथ साथ समाज में भी एक्टिव रहते हैं। तो मनोज राजभर जी, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले आप अपने अपना इंट्रोडक्शन समझ के दीजिए। सर दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज राजभर सेक्टर 56 चंडीगढ़ से रहने वाला हूँ और मैं चंडीगढ़ में काफी सालों से रह रहा हूँ। मैंने काफी सुना आपके बारे में, आप समाज के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं और समाज में कोई भी मीटिंग होती है यहाँ पे चंडीगढ़ में तो आप समय निकाल के वहाँ पहुँचते हैं और समाज में जो एक्टिविटी होती रहती है उसमें भी नज़र बनाए रखते हैं। सर ऐसा है कि दिहाड़ी करने के साथ साथ में समय समाज को भी देना बहुत ज़रूरी होता है और जितना मेरे से हो सकता है घंटा दो घंटा अगर समय निकाल कर मैं ज़रूर अपना मीटिंग को समय देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे मतलब कौन से संगठन है जो समाज के लिए जागरूक अच्छे कार्य कर रहे हैं और आप किस संगठन से जुड़े हैं? सर मैं राजभर सुधार समिति से जुड़ा हूँ। राजभर सुधार समिति के लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर यह है कि मतभेद की वजह से टाइमिंग नहीं दे पाने की वजह से कुछ लोग क्या होते हैं कि संगठन को तेजी से प्रगति पे नहीं ला सकते हैं, ये मुझे खेद है। और एक पूछना चाहूंगा, मतलब संगठन का मकसद क्या है? जैसे कि मुंबई में जैसे अभी आप नाम सुनेंगे राजभर हेल्पलाइन, बिल्कुल सर, तो उन्होंने भी मतलब एक भवन निर्माण का जिम्मा लिया है, तो मतलब यहाँ की जो समिति है उनका मकसद क्या है? देखिए समिति यहाँ की सर एक अपना बहुत बड़ा सा, ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, छोटा ही लक्ष्य था एक राजभर भवन बनाने के लिए। पर राजभर भवन बनाने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किए लेकिन शहर की जो स्थिति है जगह नहीं मिल पाई हमें, पर शहर के आसपास में ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के लोग बड़े एक्टिव हैं और मेहनत का काम भी कर रहे हैं, फंड जुटाने की बड़े कोशिश प्रयास है और हो सकता है अगर मेहनत रंग अगर इसी तरह से काम करता रहा समाज और हम लोग तो जल्दी भवन बन के तैयार हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, एक राजभर भवन का राजभर समाज के लिए चंडीगढ़ में राजभर भवन मिल जाएगा, अच्छी बात है। और आजकल जो युवा लोग हैं आज एजुकेशन, बिल्कुल सर एजुकेशन आज उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल सर बिल्कुल, तो बहुत से संगठन होते हैं कि उनको गाइड करते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो युवाओं के बारे में आप कुछ संदेश दें, मतलब क्या होना चाहिए कैसे करना चाहिए कुछ आप बताएंगे? देखिए सर सबसे पहले तो हमारे समाज का कहीं अस्थाई जगह नहीं है कि जहां हम एकत्रित होकर एक मंच पे अपनी आवाज उठा सके। अपनी कोशिश यह है कि अपनी कहीं छोटा सा अगर जगह होता है तो वहां कोशिश हर आदमी को एकत्रित करने की है। अगर एकत्रित होते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हर अपना अपना विचार रख के अपने समाज के प्रति हर लोगों के घरों में अपनी बात का विचार रखेंगे। चलिए अच्छी बात है। मैं और ये आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब यहाँ पे बहुत एक्टिव लोग रहते हैं, मैं सुन कि जैसे शहर में 40,000 लोग राजभर समाज के हैं चंडीगढ़ में। हाँ जी, अपना ये सर्वे है लेकिन हम क्या है कि अपना 40,000 राजभर समाज होने की वजह से हम भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी की यहाँ पे स्थापना हुआ कि ताकि यहाँ लोग एकत्रित होके अपना झंडे के तले किसी भी पार्टी को दिखाएंगे अपना बल। पर क्या हुआ कि बल तो यहाँ पे कई संगठन होने की वजह से हमारा समाज बिखरा हुआ। हम तो यही कोशिश करेंगे कि अपना समाज एक मंच पे आके काम करे और 40,000 जो लोग हैं, 40,000 कम नहीं होते हैं, 40,000 को अगर डिवाइड करेंगे तो 80 हो जाएगा और अपना अगर 35,000 भी अगर वोट किसी क्षेत्र में जाता है तो उसका बहुत महत्व होता है। बराबर सर। अच्छा, जैसे आपने राजनीति की बात की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात की, माननीय ओम प्रकाश जी के बारे में, जैसा कि सुनने में आया है आपने कोरोना काल पहले ही, कोरोना काल से पहले ही आपने उनका एक प्रोग्राम करवाया था जो काफी अच्छा हुआ। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये दो बार प्रोग्राम हुआ, एक बार वो अरविंद राजभर जी आए हुए थे, एक बार ओम प्रकाश राजभर जी आए थे और प्रोग्राम बहुत सफल भी रहा। उसी को सफलता को देखते हुए यहाँ पे अपने पार्टी का गठन भी हुआ है। अच्छा। और यहाँ के राम जो राजभर जी चेयरमैन है भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के,
तो जैसे आपने वो ओम प्रकाश जी की रैली करवाई, यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो अब राजनीतिक बात की है तो मैं आने वाले समय में यूपी में चुनाव है और ओम प्रकाश जी काफी एक्टिव दिख रहे हैं और मीडिया आज उनके पीछे पड़ी है, तो क्या लगता है आज ओम प्रकाश जी जिस तरफ जाएंगे उस तरफ सरकार बनेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लो, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी को आज सारी पार्टियां तलाश कर रही है, वो ऐसा एक पार्टी लेवल बना के अपना सभी पार्टियों को दबाव बना रखे हैं कि ताकि हमारी जरूरत सबको है, वो महसूस करवा रहे हैं कि हमारी जरूरत सबको है, पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। अपने समाज को तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी अगर संकल्प मोर्चा के नीचे है बैनर तले, अगर तो ओम प्रकाश राजभर जी को ज्यादा से ज्यादा शेयर वोट डाले और अपने पार्टी को बढ़ाए, अपनी ताकत दिखाए। जितने भी 12-14 पार्टियों को गठबंधन मोर्चा बनाए हैं, वो सभी समाज के लोगों को मैं यही कहूंगा कि ओम प्रकाश जी का साथ दीजिए। ओम प्रकाश जी जिनके साथ जुड़े हैं वो अपने समाज को ध्यान दे और अपनी ताकत दिखाए 2022 का जो चुनाव है, ताकि ये मालूम चले कि सपा बसपा से बाद हमें एक तीसरे विकल्प है, क्योंकि इस विकल्प पर कोई काट नहीं है। जैसे आपने बताया बस राजभर समाज जिस तरफ मुड़ा है सरकार उसकी बनी है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुड़ी तो बहुजन समाज की पार्टी बनी, फिर समाजवादी की तरफ झुका तो समाजवादी की पार्टी बनी, फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख हुआ तो उनकी सरकार बनी। लेकिन कहीं पर राजभरों को सम्मान नहीं मिला, ठीक है, राजभरों को सम्मान नहीं मिला। तो इस बार 2022 में एक मौका है राजभर समाज को। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि हमने सबको तो देखा, क्यों ना इस बार अपने को देखा जाए। लोगों ने तो हमने लोगों को जिताया, सरकार बनाई दूसरों की, हमें कहीं सपोर्ट नहीं मिला, तो क्यों ना इस बार ओम प्रकाश जी खड़े हैं तो उनको समाज अगर उनको सपोर्ट करता है तो क्या लगता है वो भी इससे बेहतर विकल्प राजभर समाज के लिए तो कोई नहीं होगा। जो ओम प्रकाश जी अपने झंडा बैनर तले जो लेके आए हैं, अभी तक राजभर समाज जो दर दर भटकता हो रहता था, इनको कोई जहाँ पे फायदा लेके और जो भी पार्टियां इनको अलग कर देती थी, इनका कोई लाभ नहीं देती थी। आज हर राजभर समाज को या जिससे राजभर समाज के लोगों का उत्थान होता है, अगर क्या नाम है वो राजभर समाज को ज्यादा से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर जी को सपोर्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करके और आगे लाना चाहिए। लास्ट सवाल, क्या लोगों को यही रहता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ओम प्रकाश जी कुछ नहीं किए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से ओम प्रकाश जी आए हैं राजभरों का लोग पहचानने लगे कि नहीं लगे हैं? कौन कहता है कि ओम प्रकाश राजभर जी काम नहीं किए हैं? 2001 से जब उनकी पार्टी बनी हुई है, जब से राजभर समाज के लोग अपना इतिहास उठा के देखे, आज हर गली क्षेत्र इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों में भी राजभर समाज के लोगों का झंडा और बोलबाला हर चैनल पे और हर मंच पे आगे आ गए हैं राजभर समाज के लोग। मैं तो यही कहूंगा कि राजभर समाज का जितना उत्थान ओम प्रकाश राजभर किए हैं उससे पहले कोई नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे मनोज राजभर जी, चंडीगढ़ सेक्टर 56 में रहते हैं, आज उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। और राजभर समाज से यही गुजारिश है कि आने वाले 2022 में सभी को हमने मौका दिया, इस बार निवेदन है कि इस बार ओम प्रकाश जी को सपोर्ट करें ताकि उनकी सरकार बने, कुछ न कुछ तो जरूर हमें ओम प्रकाश जी देके जाएंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन बटन दबाए ताकि जो भी अगली वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर मनोज जी, आपने इतना सम्मान दिया और समाज के लिए एक्टिव रहते हैं। आशा करता हूँ आप जैसे लोग भी और भी लोग रहे जो समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करें, अपना अपने परिवार को देखते हुए और अपने जॉब को करते हुए, व्यवसाय को करते हुए समाज को समय देना बहुत बड़ी बात है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्वर्णदेव। जय स्वर्णदेव सर, जय स्वर्णदेव।